अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको अपने YouTube चैनल वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश का एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश सीरीज में हम लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात जो है वो लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम अपनी बात किसी दूसरे शख्स तक या दूसरे अशख़ास तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम किसी ना किसी लैंग्वेज यानी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। जो लैंग्वेज या जो ज़बान हम बोलते हैं उसमें हम सेंटेंसेस यानी जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी जो लैंग्वेज है या ज़बान है वो सेंटेंसेस यानी जुमलों पर मुश्तमिल होती है। अब सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स होते हैं यानी अल्फाज होते हैं, और अगर हम वर्ड्स को देखें तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लेटर्स यानी हरूफ होते हैं, यानी हरूफ से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस मिलकर एक लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। तो हम क्योंकि लिसन एंड स्पीक इंग्लिश में हम लैंग्वेज इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और इसके अंदर कोई भी जो सेंटेंस यूज होगा उसकी मिसाल ले लेते हैं। जैसे यानी मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ बैग, तो ये एक सेंटेंस है। अभी मैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ लैंग्वेज में, तो आप इसको ये समझ लीजिए कि ये एक सेंटेंस दिस इज अ बैग लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ से दिस एक वर्ड है, बैग एक वर्ड है, यहाँ पे ए लिखा हुआ ये एक वर्ड है, इज जो है वो ये एक वर्ड है। अब हम फर्दर देखते हैं कि लेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये ई लिखा है, ये टी लिखा है, ये ए लिखा है, ये एस है, ये आई है, ये जी है। लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दो लेटर्स हैं ये बड़े हैं और ये जो छोटे हैं। अब ये मैंने जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स में लेटर्स होते हैं। तो हम आगाज करते हैं आज के लेक्चर का बिल्कुल बेसिक से। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले लेटर्स हम जो वो सीखते हैं। जैसे अगर उर्दू जबान है तो इसमें अलिफ बे पे ते टे से होगा, अगर कोई ग्रीक लैंग्वेज है तो उसमें अल्फा बीटा गैमा होगा, अगर हिंदी है तो उसके भी हरूफ होंगे। ये जो हरूफ का सेट होता है इसको अल्फाबेट कहते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करते हैं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ये दो तरह से लिखे जाते हैं। पहली जो टाइप है उसको हम कैपिटल लेटर्स और अपर केसेस कहते हैं। अब मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन आपने इसको बस सुनना है और बार बार सुन के आपने इन चीजों को याद कर लेना है। बाद में हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे कि किस तरह से हम इस इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स और जो इसको अपर केसेस भी कहते हैं इसको देखते हैं कि इनकी शेप किस तरह से होती है। तो ये मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है ए, ये कैपिटल ए लिखा हुआ, या ये अपर केस भी कहते हैं। कंप्यूटर यूज करने वाले जो प्रोग्रामर हैं या सॉफ्टवेयर में जो काम करते हैं वो अपर केसेस कहते हैं, लेकिन आम तौर पर हम इसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, यानी ये बड़ी ए बी सी की हम बात कर रहे हैं। तो ये पहला है ए, नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है सी, फिर है डी, ई, एफ, जी, एच, इसको लोकल लैंग्वेज में लोग एच कहते हैं, आपने एच नहीं कहना, इसको एच कहना है। तो ये एच है, नेक्स्ट है आई, इसको आई कहते हैं, आपने आई नहीं बोलना, इसको आई बोलना है। एच के बाद है आई,
जे के, इसको हम लोकल लैंग्वेज में तो के कहते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश है या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जो लोग हैं वो इसको खे कहते हैं, तो हम इसको शुरू में तो के ही बोलेंगे। नेक्स्ट है एल, एम, एन, ओ, पी। हमारे यहाँ पर इंडो पाक में इसको पी बोलते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश या दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लोग हैं वो इसको फी कहते हैं। तो फिलहाल हम इसको पी ही प्रनाउंस करेंगे यानी बोलेंगे। नेक्स्ट है क्यू, इसको आपने क्यू नहीं कहना। क्यू जो है वो जो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं वो लोग इसको क्यू कहते हैं, आपने इसको क्यू बोलना है। नेक्स्ट है आर, फिर है एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, इसको जेड भी कहते हैं। और ये जो सेट ऑफ लेटर्स है यानी ये हरूफ हैं इसको हम अल्फाबेट कहते हैं, और इनकी जो ये शेप है ये कैपिटल लेटर्स या इनको हम अपर केसेस कहते हैं। यहाँ पर और लिखा हुआ, और का मतलब है या, तो ये इनकी तादाद 26 है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट किया है, तो कैपिटल लेटर या अपर केसेस की जो शेप है वो इस तरह की होती है, इसको आपने जेन में बिठा लेना है, और हम इसको मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर यूज करेंगे। अब इसी इसको बड़ी एबीसी भी कहते हैं, लेकिन इसकी एक दूसरी शेप भी है जिसको छोटी एबीसी कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ लेकिन मैं बोल उर्दू रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल आगाज है। जब आपकी इंग्लिश जो है वो 2-3 माह तक आप काफी वर्ड सीख जाएंगे, तो उसके बाद मैं उर्दू बोलना कम कर दूंगा। एक वक्त आएगा कि मैं सारे का सारा लेक्चर ही आपको इंग्लिश में दूंगा, क्योंकि कोई और जबान सिखाने के लिए किसी और जबान का पता होना चाहिए, तो हम उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम स्मॉल लेटर्स और लोअर केसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये भी एबीसी है, इसको छोटी एबीसी हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसकी शेप जरा देखें, इसकी शेप इस तरह से होगी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। तो ये भी 26 ही हैं, ये इसको हम छोटी एबीसी या स्मॉल लेटर्स या लोअर केसेस कहते हैं, इनकी तादाद भी उतनी ही होगी। अब हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं और स्मॉल लेटर्स कहाँ पे यूज होते हैं। अब ये जो अल्फाबेट हैं या स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स हैं, इनकी भी आगे दो कैटेगरीज बना दी गई हैं, यानी इसके दो ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उन ग्रुप्स का क्या नाम है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हमारे लोकल लैंग्वेज में यहाँ इसको वॉवल कहते हैं, आपने इसको वॉवल नहीं कहना, आपने इसको वाउल्स कहना है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यानी ये जो अल्फाबेट हैं इसमें से कौन से लेटर वाउल्स हैं और कौन से लेटर्स कॉन्सोनेंट है, ये हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये एक वाउल है, और इसके बाद ये बी एक कॉन्सोनेंट है। मैंने वाउल्स को रेड से शो किया है और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको वाइट से शो किया है। नेक्स्ट है सी, ये भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट आ गया ई, ये भी एक वाउल है, यानी तीन कॉन्सोनेंट के बाद एक वाउल आ गया है। नेक्स्ट है एफ, ये भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट तीन के बाद नेक्स्ट वाउल आ गया है जिसको हम आई कहते हैं। अब नेक्स्ट है जे, ये भी कॉन्सोनेंट है, के भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट ओ जो है वो एक वाउल आ गया है, और अब नेक्स्ट है पी, ये भी कॉन्सोनेंट है, क्यू भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, एस भी कॉन्सोनेंट है,
टी भी कॉन्सोनेंट है, नेक्स्ट यू जो है ये एक वाउल आ गया है, नेक्स्ट फिर कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है, और ये वी डब्ल्यू एक्स ये भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है और जेड भी कॉन्सोनेंट है। तो अब हम जो स्मॉल लेटर्स या लोअर केसेस हैं या छोटी ए बी सी है उसकी शेप में देखते हैं कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट किस तरह के हैं। तो वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन लोअर केसेस, तो ये वाउल ए है, फिर बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सर सॉरी ई जो वो वाउल है और एफ कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है, आई फिर एक वाउल आ गया है और फिर जे भी कॉन्सोनेंट है, के भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है और एम भी कॉन्सोनेंट है, नेक्स्ट एन एक कॉन्सोनेंट है, फिर ओ वाउल आ गया है, पी भी कॉन्सोनेंट है, क्यू भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, एस भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, फिर यू एक वाउल आ गया है, फिर कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, एक्स कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है और जेड कॉन्सोनेंट है और इनकी तादाद जो है वो 26 है। अब हम क्या करते हैं के खाली वाउल्स को देखते हैं कि वाउल्स हमें कैपिटल लेटर या अपर केसेस में किस तरह से नजर आते हैं। तो वाउल्स के बारे में देखें, ये ए है, फिर ये तीन ब्लैंक्स आ गए, हमने कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया, फिर वाउल है, फिर हमने तीन ब्लैंक है यानी कॉन्सोनेंट को हमने छोड़ दिया, फिर आई एक वाउल आ गया, नेक्स्ट पांच के बाद फिर एक वाउल आता है और फिर इसके बाद पांच के बाद एक और वाउल आता है और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इसके बाद सारे कॉन्सोनेंट हैं और वाउल की तादाद यहां पर आप देख रहे हैं कि पांच है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कॉन्सोनेंट किस तरह से हमें नजर आते हैं। तो कॉन्सोनेंट पहले हमने यहां पर जो वाउल है उसको छोड़ दिया है, बी सी डी और फिर यहाँ पे ब्लैंक है, एफ है, जी एच, फिर ब्लैंक है, जे के एल एम एन, फिर जब यहाँ पर वाउल है छोड़ दिया इसको, पी क्यू आर एस टी, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, फिर यहाँ पर वाउल आ गया हमने उसको छोड़ दिया है, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, तो इनकी तादाद जो है वो 21 है यानी 26 टोटल लेटर्स हैं जिसमें से पांच वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हम इसको वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को लोअर केसेस में देखते हैं यानी छोटी एबीसी में। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये ए है, ये वाउल है, ये कॉन्सोनेंट है, बी सी भी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई फिर वाउल आ गया है, एफ कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आई फिर वाउल आ गया है, जे फिर कॉन्सोनेंट है, के फिर कॉन्सोनेंट है, एल फिर कॉन्सोनेंट है, एम फिर कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, ओ एक फिर वाउल आ गया है, पी कॉन्सोनेंट है, क्यू कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और यू फिर वाउल आ गया है, नेक्स्ट वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये कॉन्सोनेंट है। तो ये टोटल 26 हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी में से जो वाउल्स हैं उनको अलग करके लिखते हैं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल है लैंग्वेज में यानी साउंड को क्रिएट करने में, प्रनाउंस बेहतर करने में इनका बड़ा रोल है। तो हम वाउल्स को अलग करके देखते हैं अपर केसेस में भी और लोअर केसेस में भी यानी कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर में से, या यूं कह लीजिए कि बड़ी एबीसी में से और छोटी एबीसी में से हम वाउल्स को अलग करके लिखते हैं। तो ये देखें, ए ई आई ओ यू, और स्मॉल लेटर्स में या लोअर केसेस में ए ई आई ओ यू, और इनकी तादाद कितनी है, ये
पांच है। तो हमने ये देखा कि इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट जो है वो 26 हैं, जिसमें से इसकी दो कैटेगरीज हमने बना ली हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरे जो है वो वाउल्स हैं। वाउल्स की तादाद पांच है और कॉन्सोनेंट की जो तादाद है वो 21 है। तो दोनों को ऐड करें, दोनों को जमा करें तो 26 है। अब इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिन टेक्निक्स का जिक्र हमने पिछले लेक्चर्स में किया है वो ये है कि जो एक छोटा बच्चा है वो शुरू में चीजों के नाम सीखना शुरू करता है। तो हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, इन लेटर से बनने वाले छोटे छोटे जो अल्फाज हैं यानी वर्ड्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलूं, उर्दू के नाम बोलूं, लेकिन जब तक हम सफिशिएंट लेक्चर्स कवर नहीं कर लेते तब तक हमें उर्दू का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि तीन लेटर्स पे मुश्तमिल हों, तो उनको हम कहेंगे थ्री लेटर वर्ड्स। तो आइए अब हम थ्री लेटर वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमने ये टेक्निक भी अपनानी है कि हमारा जो ब्रेन है वो इंग्लिश में सोचे यानी इंग्लिश में थिंक करे। तो इसका तरीकाकार हम क्या करते हैं कि हम पिक्चर्स का सहारा लेंगे, हम पिक्चर को देखेंगे और उसको पहले तो लिख लेंगे और उसको बोलना भी सीखते हैं। तो पिक्चर्स की मदद से अपने ब्रेन को हम समझाएंगे कि इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है। मैं यहाँ पर उर्दू के अल्फाज यूज नहीं करूंगा क्योंकि हमारे स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि लिखने में भी उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं और उर्दू की निशानियों से फिर वो इंग्लिश के अल्फाज या सेंटेंसेस को पहचानते हैं। लेकिन हमने इस टेक्निक को फॉलो नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है और बोलना है या सुनना है और बोलना है। तो हम ना शुरू में पिक्चर से इसका आगाज करते हैं। तो ये देखें, ये आपको एक बैग नजर आ रहा है इंग्लिश में, इसको उर्दू में तो थैला कहेंगे लेकिन हम डायरेक्टली इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखते हैं, इसके स्पेलिंग्स ये होंगे। स्पेलिंग्स का मतलब है हिज्जे, इसके ये होंगे कि कौन से लेटर से मिलकर ये बैग लिखा जाएगा। तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है BAG, ये गैप के साथ लिखा हुआ है ताकि अलग अलग लेटर्स को दिखाया जा सके। नेक्स्ट हम इसको इकट्ठा लिखते हैं BAG, ये कैपिटल लेटर्स में बैग लिखा हुआ है। अब इसको स्मॉल लेटर यानी लोअर केसेस में BAG लिखा हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं, दैट इज बैट, इसको उर्दू में बल्ला कहते हैं लेकिन हमें ये पता है कि इसको बैट कहते हैं। इसके कैसे लिखते हैं इसको कैपिटल लेटर्स में BAT, अगर इसको इकट्ठा लिखा जाएगा तो ये ऐसे लिखेंगे BAT, और अगर इसको लोअर केसेस या स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे BAT। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं और लिखते हैं, ये हमारे सामने बेड आ गया, तो बेड के स्पेलिंग क्या होंगे या हिज्जे क्या होंगे? अब मैं हिज्जे का वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं इसके स्पेलिंग्स की बात करूंगा, BED, ये कैपिटल लेटर्स में या अपर केसेस में लिखे हुए इसके स्पेलिंग्स हैं। इसको इकट्ठा लिखेंगे तो BED ऐसे लिखेंगे, और अगर लोअर केसेस या स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो इस तरह से BED। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, तो ये एक बॉक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे? BOX, अगर इसको इकट्ठा लिखेंगे तो BOX, और अगर लोअर केसेस में लिखेंगे तो BOX, इस तरह से लिखेंगे। तो नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाते हैं, ये कैप है तो इसको हम लिखेंगे CAP, ये इसके स्पेलिंग हो गए। अब इस वर्ड को इकट्ठा लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखा जाएगा CAP, और अगर हम इसको लोअर केसेस में या छोटी ABC या स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो इस तरह से CAP, कैप। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक लड़का है तो हम इसको इंग्लिश में बॉय कहते हैं, बॉय नहीं कहना आपने, बॉय। तो ये लिखा हुआ है BOY, बॉय। नेक्स्ट है BOY,
बॉय, और स्मॉल लेटर्स में अगर आप इसको देखें तो ये है बी ओ वाई। तो हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं और अपने ब्रेन को समझाते हैं कि उसने इसको देखते ही कैसे बोलना है। तो इसके स्पेलिंग होंगे, ये कार है तो CAR, कैपिटल लेटर्स में इसको कैसे लिखेंगे, CAR इकट्ठा करके। ये यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, यहाँ ये एक वर्ड या लफ्ज लिखा हुआ है। स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखेंगे, CAR। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो यहाँ पर एक बिल्ली की है, तो हम इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं। इसके स्पेलिंग ये होंगे CAT। तो इसको कैपिटल लेटर्स में वर्ड की शक्ल में लिखेंगे तो ये CAT कैट होगा, और स्मॉल लेटर या लोअर केसेस में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, तो CAT कैट। तो ये हमारे पास ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं उसको स्पेलिंग के जरिए से भी जान रहे हैं, कैपिटल लेटर्स के जरिए से भी और स्मॉल लेटर्स के जरिए से भी जान रहे हैं। नेक्स्ट हम पिक्चर देखते हैं, ये गाय की है। गाय को इंग्लिश में काओ कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश तो इसको खाओ कहेंगे, तो हम अभी उसकी तरफ नहीं जा रहे, अब हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में ही प्रनाउंस करेंगे जैसे हम इसको बोलते हैं। तो COW, तो COW काओ, COW काओ। और ये एक कप है, तो कप इंग्लिश का वर्ड है, ये हम अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन इसको लिखते हुए इसके स्पेलिंग क्या होंगे, CUP कप। तो कप को कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखेंगे और स्मॉल लेटर में CUP कप। और नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये एक पिक्चर है, बच्चे या बड़े भी एक गेम खेलते हैं जिसको लूडो कहते हैं, उसमें इसको फेंका जाता है, इसको डाई कहते हैं। अगर एक से ज्यादा होंगी तो उसको डाइस कहेंगे, एक को डाई कहते हैं, उर्दू में इसको दाना भी बोलते हैं। तो हमने तो इंग्लिश सीखनी है, इस वजह से हम इसको डाई कहेंगे, और इसके स्पेलिंग क्या होंगे, DIE, DIE। और अगर इसको कैपिटल लेटर में वर्ड की शक्ल में लिखेंगे तो ऐसे ज्वाइन करके लिखेंगे, DIE डाई, और ये DIE डाई। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, तो ये एक डॉग है, इसके स्पेलिंग होंगे DOG। नेक्स्ट इसको वर्ड की शक्ल में कैपिटल लेटर्स के साथ लिखेंगे या अपर केसेस में लिखेंगे तो ये DOG डॉग, अगर लोअर केसेस में लिखेंगे तो इस तरह से DOG। तो ये जो हमने लेटर्स, थ्री लेटर वर्ड सीखे हैं पिक्चर के साथ, इनकी तादाद जो वो 12 थी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि पिक्चर के बगैर इनको लिखते हैं और पढ़ेंगे, लेकिन अपने जहन में हम उसकी इमेज बनाएंगे, शक्ल बनाएंगे। अगर ये लिखा हुआ है बैग, तो हमारे जहन में बैग बोलते ही पिक्चर एक बैग की आनी चाहिए, यानी हम जहां पर भी ये वर्ड लिखा होगा इसको देखते ही हमने इसका तर्जमा थैला नहीं करना, हमने अपने जहन में इसकी पिक्चर लानी है कि बैग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहन में हमारे इसकी बैग की पिक्चर बननी चाहिए जैसे अभी हमने देखा। आप यहाँ पर एक और बात गौर करें कि यहाँ पर सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है ए और जी को। तो इंग्लिश में तीन तरह से वर्ड्स को लिखा जाता है, सारे कैपिटल भी लिखे जाते हैं, सारे स्मॉल लेटर्स भी लिखे जाते हैं, और पहला लेटर जो है वो बड़ा और बाकी छोटे लिखे जाते हैं। जब जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा। तो मैंने तीनों स्टाइल में लिखा है, और यहाँ पर हम रिव्यू कर रहे हैं या रिविजन कर रहे हैं जो आज हमने लेटर, जो आज हमने वर्ड सीखे हैं, यानी थ्री लेटर वर्ड्स लर्न टूडे। लर्न का मतलब है जो सीखे हैं, टुडे का मतलब है आज, और वर्ड्स का मतलब है अल्फाज, थ्री लेटर का मतलब है जो तीन हरूफ पे मुश्तमिल है। तो नेक्स्ट है BAT बैट, तो हमारे जेहन में जब वो बैट की शक्ल आनी चाहिए। नेक्स्ट है BED बेड, बेड की शक्ल हमारे जेहन में या ब्रेन में आनी चाहिए।
नेक्स्ट है बॉक्स और BOX बॉक्स, हमारे जहन में बॉक्स की शक्ल आनी चाहिए इसको पढ़ते ही। नेक्स्ट है बॉय, हमारे जो है ब्रेन में बॉय की शक्ल आनी चाहिए। और यहाँ पर है कैब, हमारे जहन में कैब का नक्शा बनना चाहिए, CAR कार, हमारे जहन में कार का नक्शा आना चाहिए। अगर ये वर्ड बोलें या पिक्चर देखें तो हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है कैट, तो हमारे जहन में बिल्ली की शक्ल या कैट की शक्ल बननी चाहिए। नेक्स्ट है काऊ, यानी गाय की शक्ल बननी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश के वर्ड ही बोलूं। तो हमारे जहन में कप की शक्ल आनी चाहिए, CUP कप। और नेक्स्ट है DIE डाई, तो डाई की शक्ल जो हम लूडो में यूज करते हैं उसकी शक्ल आनी चाहिए। नेक्स्ट है डॉग, DOG डॉग, तो डॉग की शक्ल हमारे ब्रेन में आनी चाहिए। ये आज हमने जो लेटर सीखे हैं, जो वर्ड सीखे हैं, उनकी तादाद है 12। तो एक बच्चा जो है वो शुरू में मुख्तलिफ चीजों के नाम जानता है, चीजों के, जगह के, या किसी शख्स के नाम जो वो जानता है। तो इन नामों को जो जो वर्ड्स हम किसी जगह, शहर, मुल्क या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाउन भी कहते हैं। लेकिन हमने जो है वो बहुत ज्यादा ग्रामर को यूज नहीं करना, लेकिन हमने कहीं अगर यूज करना पड़ गया तो हम इसको कर लेंगे। तो ये हमने 3 लेटर वर्ड जो है वो आज सीखे हैं, 12। अब हम क्या करेंगे कि हर रोज जो लेक्चर होगा उसके एंड पे कोई ना कोई एक सेंटेंस जरूर होगा जो कि बड़ा काम का सेंटेंस होगा, हमें उसको भी याद कर लेना है ताकि हमारे सेंटेंसेस जो हम सीखेंगे उसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकें। इस्तेमाल का मतलब है अपनी स्पोकन इंग्लिश में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जरूरी नहीं कि आप उसके स्पेलिंग याद करें, लेकिन ये जो 3 लेटर वर्ड हैं इनके स्पेलिंग आपको आने चाहिए। अगर बैग लिखा हुआ है तो आपको BAG आना चाहिए। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको इसके स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे। तो आज का जो सेंटेंस है उसको मैं कहूँगा द सेंटेंस ऑफ द डे। आज का जो सेंटेंस है या जुमला है इसको भी आपने याद कर लेना है, वर्क गिव्स हैप्पीनेस, कि जो काम होता है वो हमें खुशी देता है। यानी वर्क का मतलब है काम, गिव्स का मतलब है देता है, और हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। वर्क गिव्स हैप्पीनेस, वर्क गिव्स हैप्पीनेस, वर्क गिव्स हैप्पीनेस। यानी अगर आपका काम करने वाला पड़ा हुआ है तो आपको फिक्र होगी, टेंशन होगी, लेकिन जब आप काम को कर लेंगे तो आपको खुशी होगी। अगर आपने अपना रूम साफ करना है या किताबें संभालनी है, कपड़ों को प्रेस करना है या कोई और काम करना है, अगर जब तक वो नहीं होता तो आपको टेंशन होती है, फिक्र होती है, लेकिन जब आप काम कर लेते हैं तो आपको सुकून और खुशी होती है। तो इस वजह से ये सेंटेंस को याद कर लीजिए, वर्क गिव्स हैप्पीनेस। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।